मध्य प्रदेश में मॉनसून ने जोरदार दस्तक दी है और राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज पेश किए गए बजट में युवाओं, किसानों और करदाताओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। बजट में जहां किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, वहीं करदाताओं को मामूली राहत दी गई है। शाहजहानाबाद पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए चंद घंटों में नकबजनी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है, जिन्हें आरोपी बेचने की फिराक में थे। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य की पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करना है। पेश किए गए बजट 2024 में मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की है। बजट में महिलाओं को कल्याण और सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की योजना का ऐलान किया गया है। यह राशि पिछले अनुमानों से कई गुना अधिक है और महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है। क्रिकेट के इतिहास में कई रिकॉर्ड बने और टूटे हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड ऐसा भी है जो पिछले 94 सालों से अटूट बना हुआ है। इस रिकॉर्ड के करीब भी कोई भी महान क्रिकेटर नहीं पहुंच सका है। यह रिकॉर्ड अपने आप में एक मिसाल है और क्रिकेट के चाहने वालों के लिए गर्व की बात है। यह रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा रन बनाने का, लेकिन यह रिकॉर्ड किसी वनडे या T20 मैच का नहीं, बल्कि एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच का है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2023 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस फैसले से राज्य में अपना कारोबार स्थापित करने वाली कंपनियों को कई लाभ मिलेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मध्य प्रदेश आईटीएस सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं और ESDM इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 3 अफसरों के तबादला आदेश जारी किए हैं। मंदसौर और कटनी के कलेक्टरों को बदला गया है। कटनी के कलेक्टर अवि प्रसाद को मध्य प्रदेश शासन में उप सचिव बनाया गया है। मंदसौर कलेक्टर कार्यालय में एक बुजुर्ग शंकरलाल पाटीदार ने लोट लगाकर अपनी जीवन के मामले में को उठाया। फरियाद का कहना था कि उनका जमीन की गलत रजिस्ट्री करवाई गई है। इस मामले को लेकर वे किसी भी न्यायालय में नहीं गए हैं, उन्हें प्रशासन से मदद चाहिए। इस मामले में आज तक की टीम ने कलेक्टर का बयान भी लिया था और गाँव जाकर शंकरलाल से बातचीत भी की थी। मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश का दौर जारी है। कई में यह बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। हालात ऐसे हैं कि मकानों, दुकानों और स्कूल समेत जगहों पर पानी भर गया है। बारिश से सबसे ज्यादा परेशान अशोकनगर, सागर, दामोह, सिवनी, रायसेन और बालाघाट के लोग हैं।